नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुनीता और आप देख रहे हैं इंडिया की सोच। इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद तहसील के संकटा मंदिर में, जो कि यूपी के सीतापुर जिले में पड़ता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आज यहाँ पे जो 14 फरवरी, आपको हम बता दें कि आज ये कपल्स के लिए बहुत ही मायने रखता है। 14 फरवरी लोग मनाते हैं। ये है मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हमारे जो दूर दूर से आए हुए भक्त यहाँ पे है। इतनी दूर से आखिर भक्त यहाँ पे क्या करने आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस मंदिर के महत्वपूर्ण बातें होंगी, इसलिए तो पंडित जी से यहाँ पे हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? क्या नाम है आपका पंडित जी? आप नहीं है लेकिन पूजा जो कराते हैं ना, पूजा जो कराते हैं ना आप, नाम तो बताइए, अपना नाम तो बताइए। बबलू मिश्रा। यहाँ ऐसा, यह कितने दिनों से, इसका उद्घाटन कब हुआ था कुछ बताएंगे इसके बारे में? यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। इनको अभी शायद कुछ नहीं पता है। ये यहाँ पे इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ भी किया जाता है। लोग बहुत दूर दूर से महिलाएं आती हैं। क्या नाम है आपका? अरे यहाँ पे पूजा वूजा करने आती है, कुछ तो मन्नत मांगी थी। क्या नाम है आपका, कुछ बताएंगी? ये महिलाएं हैं, ये थोड़ा शर्मिली है और जो है बात नहीं करेंगी। और हम आपको दिखा दें चारों तरफ और बाहर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये मंदिर संकटा देवी मंदिर है, माता जी का दरबार है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शादियां भी कराई जाती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं पूजा। और यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे भोलेनाथ का भी मंदिर है, वो करीब वहाँ पे जो कि नदी में बना हुआ है, तालाब में। तो यहाँ की महत्वपूर्ण बातें ये है कि यहाँ पे जो जो शादियों का जो यहाँ पे जो कपल्स होते हैं, आज 14 फरवरी है। हम आपको बता दें कि लोग बहुत मायने रखते हैं इस बात को लेकर के। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। लोग काफी दूर से आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने और यहाँ पे मन्नतें भी मांगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इतनी दूर से, और ये करीब जो है काफी दूर है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ भक्तगण जो है निकल रहे हैं। हम आपको बात बता दें, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? चंडीगढ़। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। चंडीगढ़ से आए हैं जी। तो ऐसा क्या एक, मतलब इस मंदिर की कोई बात बताए कि आपकी कोई मन्नत मांगी? मन्नत कुछ नहीं, बस घूमने टहलने घूमने टहलने मान्यता। इसके बारे में पहले क्या मतलब ऐसा दिखा कि हम वहाँ जाए घूमने, कुछ इसके बारे में कुछ मान्यता सुना है हमने कि हम यहाँ पर है तो बस। अच्छा, अकेले आए या फिर और भी कुछ? अच्छा, ये आपके परिवार के फैमिली, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा नाम है, कहाँ से आएंगे? चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? यहाँ कब से आते हैं? पहली बार आया। क्या नाम है? आगे आ जाओ, तुमसे बात कर ले। वंदना चौहान। क्या नाम है? वंदना चौहान। वंदना चौहान, कब से यहाँ आती? पहली बार आई? नहीं, आए हैं 2-4 बार। तो क्यों आती है? कुछ नो मतलब सोचा होगा कि यहाँ जाए? नहीं नहीं, सिस्टम खरीदने। अच्छा, मतलब खिलौने खरीदने आई? कहाँ से आई है? यही पास के गाँव बेहटी से। पास के गाँव में रहती है, यहाँ पे जो है पास के गाँव में रहती है और यहाँ पे जो है खिलौने खरीदने आई है, टहलने घूमने आई है। और यहाँ पे कुछ दादा लोग खड़े हैं हमारे जो है, ये मिठाई वाले भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, हाँ अवधेश कुमार। यहाँ कितने दिन से दुकान लगाते हैं? यहाँ कब से? 15 साल। 15 सालों से जी। तो आज का जो आज इतनी भीड़ मेले में लगी है, मेला लगा है, कुछ खास दिन है? शुक्रवार मेला लगता है। शुक्रवार जो यहाँ पे मेला लगता है जी। अच्छा, शुक्रवार और सोमवार को मेला लगता है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। यहाँ पे पहली बार आया कि आप पहले भी आ चुके हैं? कुछ खास दिन है आज? हाँ, सोमवार है। ये मंदिर कितने साल पुराना होगा कुछ बताएं? अरे ये तो बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत साल पुराना मंदिर है, बहुत मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। दादाजी क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? राम मनोहर। यहाँ पे पहली बार आए या इसके पहले भी आ गए? नहीं, पहली बार आया। पहली बार? कुछ कुछ मतलब कुछ मन्नत मन्नत मांगी थी या फिर ऐसे घूमने टहलने आए? ऐसे घूमने टहलने। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस मंदिर में आकर के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। वो भैया जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ ज्यादा नॉलेज है। क्या नाम है आपका? ठीक है, आप तो हमारे वहाँ आई थी गांव में। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामकिशोर। यहाँ पे इसकी कुछ खास बात है, कुछ विशेषता है जो लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी विशेषता है यहाँ। आज कुछ कह रहे खास दिन है, आज 14 फरवरी कुछ खास दिन है लोगों के लिए? वैलेंटाइन डे है आज। अच्छा, लोगों के लिए मतलब कपल्स के लिए खास? और एक दूसरी बात ये है, पुलवामा जो हमला हुआ था, शहीदों के लिए सबसे बड़ी खास बात भी है। लेकिन हम लोगों में शहीद जो शहीद हुए हैं सैनिक लोग, उनके लिए थोड़ा हम गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि भाई आज के दिन वो मारे गए थे बेचारे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। ये यहाँ का ये जो गेट है हम आपको दिखा दें, थोड़ा पीछे बढ़ के कैमरामैन से चाहेंगे कि पीछे बढ़ के थोड़ा इसका यहाँ का नजारा दिखाइए कि यहाँ का नजारा क्या है। वो देखिए कि वहाँ जो रथ बना हुआ है, और जो रथ आपको दिख रहा है वो मेन यहाँ का गेट है, मेन गेट वो है, बल्कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन गेट है।